इस सप्ताह एस्ट्रो साइकिल में तीन बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। 28 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद 29 जुलाई की मध्य रात्रि शनि कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। 5 जुलाई को अमावस है और 7 जुलाई को शुक्र उदय होंगे और इसी दिन कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। शुक्र के उदय होने और राशि परिवर्तन का प्रभाव बाजार में अगले सप्ताह नजर आएगा, लेकिन शनि के वक्री होने 5 जुलाई को अमावस होने का प्रभाव बाजार में इसी सप्ताह देखने को मिलेगा। शनि का अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होना और मंगल का अपनी ही मेष राशि में गोचर करना मेटल शेयरों में तेजी लाने का काम करेगा। शनि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लिहाजा इस दौरान निश्चित तौर पर मेटल्स पर फोकस रखना चाहिए। बुध का गोचर कर्क राशि में से हो रहा है और शुक्र के बुध के साथ कर्क राशि में गोचर करने से बाजार में सिल्वर की कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आषाढ़ महीने में इस बार 21 जुलाई तक 5 रविवार आए हैं और 21 जुलाई तक विश्व में तनाव वाली स्थिति रह सकती है जिसका असर बाजार में आ सकता है, लिहाजा अपनी लंबी अवधि की पोजीशन को रहना चाहिए। 1 जुलाई को बाजार खुलने के समय चंद्रमा शुक्र के भरणी नक्षत्र में मेष राशि में मंगल के साथ गोचर करेंगे और चंद्रमा और मंगल की ये युति लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। इस दौरान चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे शनि के प्रभाव में भी रहेंगे, लिहाजा बाजार में स्थिति पॉजिटिव रहेगी और होटल और एंटरटेनमेंट और लग्जरी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 2 जुलाई को चंद्रमा सूर्य के कृतिका नक्षत्र में मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 11 बजे वृषभ राशि में गुरु के साथ गोचर करेंगे और गज केसर योग का निर्माण करेंगे। चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ आना निश्चित तौर पर बैंकिंग के साथ साथ सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी लाने का काम करेगा। 3 जुलाई को चंद्रमा अपने ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा इस दौरान बाजार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी और बैंकिंग शेयरों में खास फोकस बनेगा। 4 जुलाई को चंद्रमा मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चंद्रमा का ये गोचर बाजार में कंसोलिडेशन लाने का काम करेगा और इस दौरान डिफेंस के अलावा कॉपर कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिलेगी। 5 जुलाई को चंद्रमा राहु के ऑर्डर नक्षत्र में मिथुन राशि में गोचर कर रहे सूर्य और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग मनाएंगे, लेकिन सूर्य के प्रभाव से अस्त रहेंगे, लिहाजा इस दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।